तो नमस्कार किशन भाई, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो किशन भाई, अभी आप देख रहे हैं, अभी हैं हम बरबट्टी के प्लाट पर, और ये बरबट्टी ना अंकुर सीड्स की तरफ से आने वाली रेड एम्पायर वेराइटी है, जो कि लाल बरबट्टी रहती है। अभी मैं आपको इसका फल भी दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, अभी स्टार्टिंग फेज पर है और देख सकते हैं आप, अभी कहीं कहीं फल इसमें आ रहा है। तो आज हम इसके बारे में, ये बरबट्टी के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि देखिए फल आ रहा है, फल फूल की क्षमता, फल फूल आ रही हैं तो उसमें कौन से दवाई डालना चलाना चाहिए, खाद का कौन सा उपयोग करना चाहिए, कैसे मेंटेन करना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं ना कि देखिए, आपको दिख रहा होगा हमारे जो प्लॉट है उसमें खरपतवार यानी कि घास की समस्या आपको बहुत ही कम देखने को मिल, ना के बराबर घास इसमें खरपतवार है। वो कैसे हमने मेंटेन किया, खाद कौन सा मेंटेन किया, दवाइयाँ कैसे मेंटेन करी हैं, कितना अच्छा इसमें फल आ रहा है। देख सकते हैं आप, जो इसमें जो आ रहा है ना, ये देखिए, ये ना कम से कम मान लीजिए 5 से 10 दिनों मान लीजिए, तब तक इसमें क्या होगा, फर्स्ट हार्वेस्टिंग के लिए जो प्लॉट है ये पूरा रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी जब इसका फर्स्ट हार्वेस्टिंग, जब हमारे जो लाल बरबट्टी है, रेड एम्पायर वेराइटी है, जो अंकुर सीड्स की तरफ से आने वाली, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जब इसका हार्वेस्ट स्टार्ट होगा तब। तो अभी बात करेंगे हम आज की वीडियो पर ए टू जेड जानकारी कैसे, आज मैं आपको बताऊंगा कि ए टू जेड जानकारी बताऊंगा कि लाल बरबट्टी को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कौन कौन सा खाद को उपयोग करना चाहिए, कौन से दवाइयाँ का उपयोग करना चाहिए, कौन सा रोग आता है, जो भी दवाइयाँ बताऊंगा एक नंबर की दवाइयाँ बताऊंगा। हम घर पर खुद उसका, हमारा ही खुद का ये प्लॉट है, रहता है घर पर, हमने खुद यूज़ किया है, फिर जाकर के हमारे किसान भाइयों को मैं वीडियो बना करके देता हूँ कि हाँ वो काम करता है या नहीं करता है। तो चलिए वीडियो शुरू। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम बरबट्टी के प्लाट पर, और ये लाल बरबट्टी है जो कि अंकुर सीड्स की तरफ से आने वाली रेड एम्पायर वेराइटी है, और ये जो प्लाट है ना कम से कम 10 डिसमिल के लगभग एरिया में है। ठीक, तो इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जब ये ना 15 से 20 सेंटीमीटर का था, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से था वीडियो, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप जाकर के वीडियो देखिएगा। उसमें क्या था, जब वो पौधा छोटा था और हल्का, हाँ 15 सेंटीमीटर का रहा होगा, और मैंने उसमें थोड़ी थोड़ी जानकारी बताई थी, हाँ कितना खाद चलाना चाहिए, कैसे ग्रोथ लाना चाहिए, क्या था। हाँ, आज से लगभग ये 15 से 20 दिन पहले ये वीडियो आ चुकी है, हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर के देखिएगा तो आपको नॉलेज अच्छा गेन होगा। तो अभी क्या है, बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न पर बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, बरबट्टी की खेती करते हैं। बरबट्टी की खेती करते हैं तो क्या होता है कि देखिए, कोई सा वेराइटी और सक्सेस नहीं रहती, जैसे खीरा हो गया, करेला हो गया, या फिर तुरई हो गया, या फिर नेनुआ हो गया, किसी चीज़ की खेती करते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट बरबट्टी ऐसा चीज़ है जो अच्छा उत्पादन देती है, बहुत ही अच्छा देता है। और ये जो रेड एम्पायर जो वेराइटी आप देख रहे हैं, ये जो बरबट्टी है, लाल बरबट्टी, जैसे आपको मैं कहीं फल दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये जो वेराइटी है ना, ये काफ़ी ज़्यादा उत्पादन हमको देती है। मैंने पिछले साल जब था, इस वेराइटी को हमने लगाया था, तो उसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया था, काफ़ी घना फल आता था, बट हाँ उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा खरपतवार को हमने मेंटेन अच्छे से नहीं कर पाया था। अभी आप देखिए, ये वाला जो हमारा जो प्लाट है, इसमें क्या है कि खरपतवार की समस्या काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगी, तो इसके लिए भी कुछ दवाइयाँ रहती है, मैंने आगे जाकर के उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी देखिए, बात क्या कर लेते हैं कि देखिए वेराइटी कौन सा चेंज करें। तो हमारे किसान भाइयों को ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, आप दूसरी अन्य वेराइटी के पास मत जाइएगा, क्या कि देखिए, आप जो सोच रहे होंगे कि हाँ ये वीडियो पेड प्रमोशन वीडियो, बट ऐसा है नहीं, कोई कंपनी हमको पैसा दी ही नहीं है कि हाँ आप इसके बारे में प्रमोशन करें। देखिए क्या रहता है कि अच्छा वेराइटी हमने खुद लगाया है, उत्पादन काफ़ी अच्छा देता है, 10 डिसमिल के लगभग ये एरिया है ना, उसके बाद भी ये काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन देगा। तो हमारे किसान भाई को ये बोलना चाहूँगा कि आप क्या करें, अंकुर सीड्स की तरफ से आने वाली रेड एम्पायर वेराइटी को जरूर लगाएं, क्या करता है, ज़्यादा उत्पादन ये हमको देता है। तो अभी बात देखिए क्या होता है कि ये बड़ा हो रहा है, ठीक, 15 से 20 सेंटीमीटर वाला वीडियो आप जाकर के देखिएगा, उसमें जानकारी पूरी मैंने बताई है। देखिए इसमें बीमारियाँ बहुत सारी आती हैं, बीमारियाँ आती हैं तो क्या रहता है कि अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करिएगा तो क्या रहेगा, आपका फसल ख़राब भी हो सकता है, हो सकता नहीं हो सकता नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसमें बहुत सारी बीमारियाँ लगती हैं, दो बीमारियाँ ऐसी रहती हैं जो बरसात के सीजन पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करती हैं हमारे फसल पर। पहली बात हो गई व्हाइट फ्लाई, जो सफ़ेद मक्खी रहती है, दूसरी क्या रहती है, थ्रिप्स की रहती है, तीसरा क्या रहता है, मोटा कीड़ा की रहती है, जो क्या करता है, अभी आपको थोड़ा समझाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जैसे फल है, ठीक, फल के जैसे जस्ट यहाँ स्टार्टिंग है, तो यहीं पर क्या करता है, कीड़ा काट देता है, फिर क्या होता है कि हमारा फल खराब हो जाता है, सूख जाता है। तो उसके लिए भी दवाइयाँ आती हैं कि हाँ ऐसा दवाई का उपयोग करिए, कहाँ थोड़ा भले एक्सपेंसिव पड़ जाए, बट क्या करें कि एक आध दो स्प्रे पर हमारा प्लॉट सही हो जाए। तो अभी देखिए, व्हाइट फ्लाई के लिए कौन सा दवाई का उपयोग करना चाहिए, व्हाइट फ्लाई के लिए आप देखिए इनोवा या फिर सार्फ का उपयोग कर सकते, जब पौधा छोटा था उस समय करिए। देखिए एक आता है सफीना, मैं डिब्बा शो कर देता हूँ, ये देख सकते हैं, 1150 रुपये का एक लीटर मिलता है ये, और कितना चलता है, 10 टंकी का रहता है, 40 ml प्रति टंकी इसका उपयोग करना रहता है हमको। और देखिए क्या करता है ना कि ये जितना भी व्हाइट फ्लाई की प्रॉब्लम है वो पूरा 1 से 2 स्प्रे में पूरा ख़त्म कर देगा। सफीना काफ़ी बेहतरीन दवा है, हमने इसको खीरे के भी प्लॉट पर यूज़ किया था, अभी खीरे के प्लॉट के बारे में डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, अगर हमारे किसान भाई कोई लगाए हैं तो उनके बारे उनको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो देखिए सफीना का उपयोग कर सकते हैं, व्हाइट फ्लाई को 1 से 2 स्प्रे तक में
ख़त्म कर देती है। मैं पैकेट जो भी डिब्बा है उसको वीडियो में शो करें तो इस प्रकार से रहता है। आप जाकर के किसी भी एग्रो एजेंसी पर जाकर के आप ले सकते हैं। अभी बात करते हैं देखिए थ्रिप्स के लिए। थ्रिप्स के लिए तो देखिए मुद्रा भी आता है, ठीक, मुद्रा भी आता है और एक रहता है किफन, वो भी आप डाल सकते हैं, वो काफ़ी बेहतरीन रहता है, जो कि अच्छा काम करता है, हमने खुद अपने प्लाट पर यूज़ किया है। और तीसरा देखिए मोटा कीड़ा रहता है। मोटा कीड़ा क्या करता है, देखिए आप दवाइयाँ हल्का दवाइयाँ डालेंगे तो देखिए क्या करेगा, बहुत स्प्रे आपको करना पड़ेगा। बट क्या है ना, PI कंपनी की तरफ से कॉस्को दवा का उपयोग करिएगा, वो क्या करेगा, एक स्प्रे तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है दो स्प्रे, हमने खुद यूज़ किया है, उसके बाद जाकर के मैं आपको बता रहा हूँ, एक स्प्रे तक में आपका जो भी प्रॉब्लम है मोटा कीड़े की समस्या है वो बिल्कुल ही सही हो जाएगी। अभी ये बात कर लेते हैं, देखिए खाद कौन कौन से चलाइए। देखिए ग्रोथ के लिए तो आप चलाइए 1919, फिर 52034, ठीक, सब चलाते रहिएगा। और देखिए इसमें क्या है, पत्तियों में हरा भरा करने के लिए आप देखिए मैग्नीशियम सल्फेट का जरूर उपयोग करिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करता है, मैंने उसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि मैग्नीशियम सल्फेट एक्चुअली में करता क्या है, क्या करता है, कैसे करता है, तो अब हमारे किसान भाई चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। देखिए पत्तियों में क्या करता है, हरा भरा करने की क्षमता में वृद्धि लाता है, ठीक, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके लिए एक दवाइयाँ भी आती है जो कि PI कंपनी की तरफ से आने वाली बायोबीटा रहती है, वो क्या करती है कि पत्तियों में हरा भरा करने में सक्षम रहती है। और उसका बहुत सारी दवाइयाँ आती है, बट हमने जो यूज़ किया है जो एक्चुअली में अच्छा काम करता है उसी को हमारे किसान भाई को मैं बताता हूँ, वो दवाई का आप उपयोग कर सकते हैं। और फल फूल की क्षमता वृद्धि लाने के लिए देखिए उसके लिए भी दवाई रहती है, देखिए स्प्रे आप कर सकते हैं जो कि बीन चिविन है, ठीक, बीन चिविन का आप उपयोग करिए, वो एक छोटा सा डिब्बा रहता है, देखिए वीडियो में इस प्रकार से रहता है। और क्या करते हैं उसको 100 लीटर पानी में घोल करके चलाते हैं, जो भी हम जो फर्टिलाइजर जो चला रहे हैं, जो भी कीटनाशक चला रहे हैं उसके साथ। और उसके लिए देखिए 13045, ठीक, अब उसको उपयोग करिएगा, वो क्या करता है कि फल फूल की क्षमता में वृद्धि लाने में बढ़ाता है पौधे में। तो देखिए हमारे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि देखिए आप जो जो मैंने आज इस वीडियो पर बताई कि कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे करना, देखिए अभी हार्वेस्टिंग के लिए जो प्लॉट है पूरा रेडी नहीं हुआ है, तो अभी कुछ दिनों बाद ये रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे किसान भाई को वीडियो मिल जाएगा कि एक्चुअली में कितना दिया 10 डिसमिल के एरिया पर है, तो हमारे किसान भाई को बेनिफिट है या नहीं है। और हमारे किसान भाई को यही बोलना चाहूँगा कि आप चाहें तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं जो कि अंकुर सीड्स की तरफ से आने वाली रेड एम्पीरियर वैरायटी है। मैं आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो को बताया कि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, कंपनी हमको पैसा नहीं दे, बहुत सारे क्या करते हैं किसान कमेंट करके बोलते हैं कि हाँ आपने पैसा लिया कंपनी से तब जाकर के इस वैरायटी के ज़्यादा आप वीडियो बनाते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं, हमको अच्छा लगता है वैरायटी, उसके बाद जाकर के हमारे किसान भाई को मैं बताता हूँ, बट आप ऐसा गलत ना सोचिएगा। तो आप चाहे तो इस वैरायटी को लगा सकते हैं। और मैंने आपको खाद से लेकर के दवाइयाँ कौन से उपयोग करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर समझ आ जाएगा आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो बस इतना है, अगर आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सही एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही।